तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जिस हिसाब से देखा कि क्या क्या कोर्स है हमारा, क्या एक्चुअल में सिलेबस है हमारा और हम किस तरह से उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जैसे HTML हमने चालू किया था, तो HTML के ही कुछ और पार्ट्स को देखते हैं और समझने की और कोशिश करते हैं कि मतलब किस तरह से इसे पढ़ा जाए और मतलब किस तरह से आप लोगों को ईजी हो। और लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आप लोगों के को बताया था बहुत सारा कुछ, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे आप लोगों को। हम लोग उसके एग्जाम्पल की तरफ जा करके और देखते हैं कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मेरे पास उतना सारा मतलब सामान नहीं था कि मैं आप लोगों को एक्चुअल में पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन आज मैंने क्या किया है, सारा चीज़ लेकर के आया हूँ और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आज, आप देखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फिर से HTML क्या होता है और इसको मतलब किस तरह से मैं अपने आप पिछले लेक्चर में जो चीज़ें मैंने कही थी उसको आज हम लोग फिर से और एलेबोरेटिव वे में हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब क्या कहना चाहता था मैं एक्चुअली। ठीक है, चालू करते हैं यहाँ पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था HTML के बारे में। इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका मैंने बताया था आपको हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, कि आपके पास किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है। इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है बताइए, इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपका किस टाइप में हो सकता है, या तो टेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है, या तो इमेज हो सकती है, या इमेज के अलावा क्या हो सकती है, वीडियो हो सकता है या ऑडियो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसको क्या करेंगे, आपको यूजर को दिखाना है ये सारे जो आपके इंफॉर्मेशन के टाइप्स है, ये आपको क्या करना है, यूजर को दिखाना है, किसी दूसरे को दिखाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, HTML। इसका नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट फॉर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका हम लोगों ने देखा था कि हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, एनी टाइप ऑफ ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है लेकिन किस तरह का, ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन था टोटली वो क्या था, एक ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन था। ठीक है, इस ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को क्या करते थे हम लोग, चेंज कर देते थे। ठीक है, क्यों चेंज कर देते थे, क्योंकि देखो आप ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को अगर किसी को दोगे आप तो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। देखो अभी मैं अगर सिर्फ ऑडियो तुमको सुनाता, अभी ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें अगर मैं ये बोर्ड वगैरह नहीं लेके आता और मैं सिर्फ ऑडियो में तुमको बस बोलते रहता कि हाँ ये ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ नहीं पाते ना कि मैं एक्चुअल बोलना क्या चाहता हूँ। क्लियर है, तो जो भी आप मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपको मतलब लेकर के जाएगा किसी दूसरे तरफ ना। तो इसी तरह हमारा जो HTML क्या है, ये एक ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करवाता है, या फिर क्या करता है इसको बताओ, इसको इसका मेकअप कर देता है, जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट है आपका उसका क्या कर देता है, मेकअप कर देता है ये। ठीक है, मेकअप करके और क्या बना देता है बताओ, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मेकअप क्यों करेंगे बताओ, मेकअप इस क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो हमारा है ब्यूटिफिकेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करवाना है ना हम लोगों को, तो ये सारे चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटिफिकेशन वगैरह के लिए क्या करते हैं, हम लोग HTML को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, हमको फॉर्मेटेड टेक्स्ट में करना है। दूसरा है हमारा मार्कअप। मार्कअप का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इंटरनेट पे कोई भी चीज है अगर, ठीक है, समझो एक एक यहाँ पीसी था, इस पीसी पे मैंने कुछ एक पेज बना करके रख दिया था। ठीक है, और क्या होता है, आपको इंटरनेट पे कनेक्ट हुआ मतलब क्या है, आपका जो वर्ल्ड के सारा एक एक मतलब क्या है, यहाँ वर्ल्ड के आप सारे कंप्यूटर से, मैक्सिमम जो कंप्यूटर जो इंटरनेट पे है उन सारे से कंप्यूटर पे से आप क्या कहो, कनेक्टेड हो इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है, इंफॉर्मेशन उसको क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे रीड कर पा रहे हो, इसमें से क्या कर रहे हो, इसमें से कमांड भेज रहे हो और यहीं पे आप रीड कर पा रहे हो ये इन्फॉर्मेशन को। मतलब क्या हो गया, आपने सर्च किया इस इन्फॉर्मेशन को और अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट हुई तो क्या हुआ, यहाँ से आपने उसे देख लिया अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो
तो ये इंटरनेट की फैसिलिटी से देखा आपने, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या कि जो भी आपका ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन था आपके पास, हाइपर टेक्स्ट जो था आपके पास, आपने क्या किया इस ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के साथ में, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के साथ में कुछ तो एक्स्ट्रा सिंबल्स आपने ऐड किए या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के साथ में आपने क्या किया, एक्स्ट्रा सिंबल या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। और क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, और इस ऑर्डिनरी टेक्स्ट को क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक फॉर्मेटेड ड्रेस्ड अप टेक्स्ट में, ठीक है, फॉर्मेटेड ड्रेस्ड अप टेक्स्ट में, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, आपका जो यहाँ पे, जो देखो यहाँ ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन थी आपके पास, ठीक है, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन अब क्या हुई, यहाँ पे देखो एक ऐसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, जो रीडेबल फॉर्म में है, रीडेबल फॉर्म में है, ब्यूटीफुल है देखने में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से आप लोग चाहते थे इसको रिप्रेजेंट करवाना, आपने चीजों को जिस हिसाब से चाहते थे आप इस ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करवाना, आपने क्या किया उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स और ऐड किए, और उसको क्या हुआ, जिस हिसाब से आप दिखाना चाहते थे आपने उस हिसाब से बना लिया इसे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये एक्स्ट्रा सिंबल जो भी आपने ऐड किया ना यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा सिंबल, इसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मार्कअप कहते हैं, ठीक है। इसका इंफॉर्म, ये मार्कअप हमें किसके लिए जरूरत है, ये मार्कअप का जरूरत जो है हमें, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा मार्कअप था, ये मार्कअप, ठीक है, मार्कअप ने क्या किया, सिर्फ आपका जो एस्थेटिक लुक था इस पूरे आपका पेज का, एस्थेटिक लुक या फिर क्या बोल सकते हो आप, दिखने के लिए जो भी है, जो भी आपका एस्थेटिक लुक था उसे क्या किया, एनहांस किया है, क्या किया, एनहांस किया, जिस हिसाब से आप चाहते थे आपने अपने एक ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को लिख करके दिखाया, जो कि ये जो मार्कअप है, ये मार्कअप का काम, ये मार्कअप को कौन पढ़ेगा, सिर्फ ब्राउजर पढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स होंगे जैसे इस तरह के सिंबल्स होंगे या फिर इस तरह के कुछ सिंबल्स होंगे एक्स्ट्रा एडेड, जो कि इसका 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 काम किसको पता होगा, सिर्फ ब्राउजर को पता होगा, ठीक है। इस तरह के कुछ सिंबल्स होंगे इसमें, ठीक है, इसका काम किसको पता होगा, सिर्फ ब्राउजर को पता होगा, बाकी ये यूजर के लिए नहीं है, नॉट फॉर यूजर, नॉट फॉर यूजर, ठीक है। ये जो पूरा जो आपने एक्स्ट्रा जो यहाँ चीजें डाली है वो यूजर के लिए नहीं है, ये क्या है, ब्राउजर के लिए है ये, और ये ब्राउजर के लिए क्यों है, क्योंकि ब्राउजर को क्या करना है, ब्राउजर को क्या करना है बताओ, ब्राउजर को क्या करना है कि जो भी आपका ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन था, ऑर्डिनरी इन्फो था, उसके साथ में जो भी क्या मार्कअप था आपका, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करना है, ब्राउजर को क्या करना है बताओ, ब्राउजर को क्या करना है, ब्राउजर को उसी इन दोनों के हिसाब से क्या करना है, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट लेके आना है, ठीक है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट लेके आना है, उसमें से क्या करेगा, ये मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए बना हुआ है, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए बना हुआ है, ठीक है। ब्राउजर को इसके बारे में पता है, मार्कअप के बारे में, कि कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, जैसे देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ ना आपको दिखाने के लिए, तो कलर चेंज से क्या होगा, आपको अच्छा रिप्रेजेंट होगा ना, आप अच्छे से समझ पाओगे उसे उन चीजों को। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, ब्राउजर का काम क्या है, ब्राउजर का यही काम है कि जो भी आपका ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो डाली गई है, जो ब्राउजर के लिए है, ये यूजर के लिए नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए है, और ब्राउजर क्या करेगा उस हिसाब से ये ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी, ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। देखो मैंने यहाँ दो प्रोग्राम लिखे हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि इसके जो भी आप एचटीएमएल में कोड करोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको
किसी भी वेब ब्राउजर की मतलब कोई भी एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है, कोई भी एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक किसी भी तरह का नोटपैड होगा तो आप अपना कोड लिख सकते हो इसमें, है ना, क्लियर है ना इतना पॉइंट। देखो मैंने भी मेरा एक ये नोटपैड का एक मेरे पास एक एप्लीकेशन था मेरे कंप्यूटर में, तो मैं उसको चला करके मैंने क्या किया, एक एडवांटेजेस की लिस्ट बनाई जो आपको उस दिन दिखाई थी मैंने, जो एडवांटेजेस मैंने बताए थे। पहला एडवांटेज क्या बताया था, जैसे नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है हमें। दूसरा क्या बताया था बताओ, फॉल्ट फाइंडिंग इज ईजी, इट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म द कोड कैन बी डेवलप, बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेटिंग ऑफ पेज, इजी लर्निंग, इनका सबका मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो लेकिन इससे पहले ये देखो, ये मैंने फाइल बनाई है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है क्या? इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है। मतलब क्या है, ये जो आपका जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट था आपके पास, ऑर्डिनरी टेक्स्ट इस समय क्या है, आप क्या किसी को HTML के बारे में बताना चाहते हो एडवांटेजेस के बारे में, तो हमने क्या किया, सारे एडवांटेजेस एक पेज में लिख लिए, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है इतना। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, जबकि ऑर्डिनरी इन्फॉर्म आपको जो दिखाना है वो ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन है क्या सिर्फ? नहीं, ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आपको तो पूरा दिखाना है ना। ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करना है, मार्कअप दिखाना है, जिसको ब्राउजर क्या करेगा, इंटरप्रिट करेगा, और ब्राउजर क्या करेगा अपने हिसाब से उसको, फिर जिस हिसाब से आप दिखाना चाहते थे। देखो ये जो फाइल वन है मेरे पास, ये जो मेरे पास फाइल वन है यहाँ पे, फाइल वन जो है मैंने बनाया, फाइल वन डॉट HTML, उस दिन मैंने बताया था आपको कि आपको जिस तरह से कोड लिखना है तो क्या करना है इसमें, सिर्फ कुछ नहीं, उसका नाम दे दो फाइल का और क्या कर दो, लास्ट में HTML दे दो, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, मैंने क्या बनाया, कि यहाँ फाइल बनाई, उसका नाम क्या रखा है मैंने, फाइल वन डॉट HTML, देखो यहाँ पे ये फाइल नेम दिख रहा है, यहाँ पे फाइल वन डॉट HTML, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करा, सिर्फ फाइल वन में क्या रखा है मैंने अभी बताओ, फाइल वन में मैंने सिर्फ रखा है एक ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, जो कि अभी मेरे लिए क्या है, एडवांटेजेस ऑफ HTML, यही है मेरा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन। अभी मैं इसको अगर रन करवाता हूँ, देखो किसी भी एक वेब ब्राउजर, अब मैंने क्या बोला था आपको कि कोई भी आपको HTML फाइल है उसको रन करवाएंगे हम लोग, किसमें इसमें करवाएंगे बताओ, ब्राउजर में करवाएंगे। तो मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये ब्राउजर है मेरे पास, ठीक है, इस ब्राउजर में क्या करना है मुझे, फाइल वन को रन करवाना है, ठीक है। तो फाइल वन को देखो मैं इसमें लेके आके रन करवाता हूँ, कैसे करवाएंगे रन, कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करो, फाइल वन यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, अब इसको ड्रैग करो, यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, यहाँ पे देखो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और ये क्या होता था, देखो फर्स्ट लाइन में आपने लिख रखा था वन नंबर पे, नंबर नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, सेकंड में लिख रखा था फॉल्ट एरर फाइंडिंग इज इजी, थर्ड लिख रखा था, ये सारा क्या हो गया आपका एक ही लाइन में आ गया। देखो ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्या बताओ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि जो भी हम HTML में क्या करते हैं, हम ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करते हैं, हम मार्कअप भी यूज करते हैं। तो मैंने एक और फाइल बनाई है आप लोगों के लिए, दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में उसे। देखो यहाँ पे मैंने एक फाइल टू बनाई है, अब फाइल टू डॉट HTML, ये फाइल टू डॉट HTML में क्या किया है मैंने बताओ, अब क्या किया होगा, जो भी मेरा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन था उसके साथ में क्या किया मैंने, मार्कअप ऐड किया है, ठीक है। ये मार्कअप किसके लिए है, ये यूजर के लिए नहीं है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस मार्कअप को लेकर के क्या कर देगा, इस ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा किसमें, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलो आप इसे, या फिर ड्रेस्ड अप टेक्स्ट बोलो, जिस हिसाब से मतलब आप लोग दिखाना चाहते थे उस हिसाब से ये उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो ये मेरा फाइल वन था, मैं फाइल वन मिनिमाइज कर रहा हूँ, देखो मैं फाइल टू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मेरा फाइल टू है, तो खोल लेते हैं हम लोग नोटपैड में।
मेरे यहाँ पे देखो फाइल टू में मैंने क्या किया, देखो मैंने जो लिखा है वो यही लिखा है। देखो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ HTML फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देखो सेम जो आपने पहले पिछले में हमने पढ़ा था। देखो मैं पिछला भी साथ में खोल देता हूँ कि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। देखो ये देखो ठीक है, हमने पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एडवांटेजेस लिखे हैं। देखो यहाँ पे एडवांटेजेस, यहाँ पे भी क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आप इतना पढ़ो सिर्फ ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ HTML लिखा है ना, ये सब छोड़ दो अभी। क्या ये ब्रैकेट व्रैकेट ये जो लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें अभी छोड़ दो, मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा ये क्या क्या कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर ठीक है। देखो मैंने यही लिखा है पहला पॉइंट, फिर उसमें देखो क्या लिखा था, नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे भी पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड लिखा है ना यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट सो ऑन, सेवेंथ पॉइंट तक मैंने यही लिखा है ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको रन किया तो मैंने दिखाया आपको किस तरह का दिखता है, इसको रन करते हैं तब देखते हैं हम लोग किस तरह का दिखता है आपको। खोल लिया हम लोगों ने ब्राउजर, इस ब्राउजर में क्या करेंगे अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह का होता है, किस तरह का दिखाई देगा आपको ठीक है। फाइल टू को मैं क्या करूँ ड्रैग करके इसमें कॉपी कर देता हूँ ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखो आप किस तरह का रीडेबल फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसका ये क्या हुआ, थोड़ा डार्क मैंने लिखा है ना, मोटा लिखा है ना थोड़ा सा। फिर क्या किया यहाँ पे देखो, एक नंबर पॉइंट में ये लिखा है, दो नंबर में ये लिखा है, ऐसे सो ऑन, मैंने सेवेंथ पॉइंट लिखे। जबकि आपने जो फाइल वन बनाई थी, फाइल वन क्या हुआ था देखो, एक लाइन में आ गया था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ठीक है। मैंने वहां लिखते समय एक लाइन में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी एक लाइन में आ गया था। इसका मतलब यही है कि जो आपने यहाँ पे क्या किया, फाइल वन में मैंने जो फाइल टू बनाई थी, फाइल टू में क्या किया है आपने, मार्कअप यूज किया है, ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपने मार्कअप यूज किया है। ये जो मार्कअप ने क्या किया, इस ब्राउजर को बताया कि आपको क्या करना है, किस लाइन को ब्लैक करना है। इस मार्कअप ने ही बताया ना उन प्रोग्राम को कि आपको क्या करना है यहाँ पे ठीक है। इस मार्कअप के कारण देखो पहले फाइल में क्या हुआ, पहले फाइल में ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपने सिर्फ डायरेक्ट रख रखी थी, नो मार्कअप यहाँ यूज किया था। यहाँ पे क्या कर, ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास सिर्फ ठीक है, इसमें मार्कअप था क्या, नहीं था। तो मैं यहाँ लिख देता नो मार्कअप। तो नो मार्कअप होने के कारण क्या हुआ था आपका, कि ये फाइल इस तरह से दिखी थी, रीडेबल फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं था ये जो डेटा आपका था। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, HTML की भी यूज करते हैं हम, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं किसमें, एक ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन में ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्कअप यूज किया है, और मार्कअप क्या, मार्कअप का इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगा, ये सिर्फ ब्राउजर, इसके ब्राउजर को जाएगा ठीक है, इसको यूजर, यूजर पे नहीं जाएगा, ये ब्राउजर के यूजर, यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है जो मार्कअप था आपका ठीक है। देखो मैंने सेकंड यहाँ पे दिखाया आपको, सेकंड में देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये अच्छे से दिख रहा है ना थोड़ा सा। तो ये इसका जो मैंने जो कॉलम यहाँ पे ऐसे ऐसे डाले हैं, ऐसे करके पी लिखा है, कभी ऐसे करके इसको पी लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ब्राउजर को पता है, इसका यूजर के लिए कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है। यूजर के लिए इसके पास कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब सिर्फ किसके लिए, सिर्फ ब्राउजर के लिए है। तो मैंने ये देखो अभी फाइल भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो देखो यहाँ पे जो ये मैंने पी, ये जो देखो यहाँ सब ये जो बॉडी लिखी है, ये बॉडी लिखी है, ये हेड लिखा है, इसका इन्फॉर्मेशन इसके, इसका यूजर के लिए क्या है, यूजर के लिए कोई मतलब नहीं, इसका किसके लिए मतलब है, सिर्फ ब्राउजर के लिए मतलब है ठीक है। इसका इन्फो, इसका मतलब सिर्फ ब्राउजर को पता है, और ब्राउजर ने क्या किया आपकी इस ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को, ये जो पूरा आपका ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन था जिसके साथ में आपने मार्कअप भी यूज किया था, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, किसमें चेंज कर दिया बताओ, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, जो कि आपको इस तरह का दिख रहा है अभी ना, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में चेंज कर दिया जो कि आपको इस तरह का दिख रहा है देखो ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मतलब HTML क्या करता है, एक ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में कुछ मार्कअप यूज करके क्या कर देता है, उसे फॉर्मेटेड बना देता है, मतलब देखने में ब्यूटीफुल बना देता है, जिस हिसाब से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो चीजों को उस हिसाब से रिप्रेजेंट करवा देता है ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस मैंने आपको उस दिन बताए थे, और अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप लोग उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि ये टॉपिक सर नहीं समझा है, तो
और ये टॉपिक आप फिर से समझा दीजिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो बार जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपके उस टॉपिक्स में जिस टॉपिक में आपको डाउट था उस टॉपिक को हम लोग फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वही है कि जब आपको मतलब नहीं समझे तो आप लोग वहाँ पे कमेंट में मेंशन करो, और साथ में वीडियो को मतलब अगर समझता है आपको अच्छा वीडियो में तो भी आप वहाँ पे लिखो, क्योंकि हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन नहीं है अभी। मैं वीडियो डाल रहा हूँ बस, मुझे पता नहीं है कि वहाँ लोगों तक, आप लोगों तक पहुँच करके वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें उसको, लाइक करें, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है पूरी तरह से, और हम लोग उसी स्पीड में या फिर उसी तरह तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग बस पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोगों तक कुछ समझ नहीं रहा है, ठीक है? इस हिसाब से ना हो, आप लोग उसको मतलब कमेंट में जरूर लिखे। जो भी आदमी वीडियो देखता है पूरा फुल देखता है तो उसको कमेंट में आप जरूर मेंशन करें कि हाँ सर आज का वीडियो समझ में आया, तो हम लोग को भी मतलब पता चलेगा कि हाँ मतलब जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ पूरी तरह से आप लोग को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं HTML के। उस दिन जो मैंने बताया था आपको, पहला क्या बताया था आपको, नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, मैंने दिखाया अभी आपको, फिर से दिखाया ना कि हमने क्या किया, सिर्फ एक नोटपैड लेकर के और नोटपैड में ही काम करके हमने देखा कि हम लोग HTML में कोड कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अलग से हमने इंस्टॉल नहीं किया था, ठीक है? उसका देखा था फॉल्ट फाइंडिंग इज ईजी। देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें कोड में कोई भी चेंजेस भी कर देता हूँ ना तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा। जो भी ब्राउजर को नहीं पता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसी हिसाब से बस प्रिंट कर देगा वो, ठीक है? तो फॉल्ट फाइंडिंग इसमें बहुत ईजी होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कि इसको रन करवाने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए हम लोगों ने सीधे सिर्फ एक ब्राउजर का जरूरत पड़ा था बस, उसके अलावा ब्राउजर के अलावा कोई सॉफ्टवेयर का आपको तीसरे सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ा था यहाँ पे, देखा था हम लोगों ने, ठीक है? अभी फिर से देखा भी है वैसे। ठीक है, उसके बाद ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कोड कैन बी डेवलप्ड। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि जैसे एप्पल की चीजें थी वो क्या होता था, एंड्रॉयड में या फिर विंडोज में नहीं चलती थी, लेकिन जब आप इस ये HTML में जब कोड बनाओगे तो क्या होता है, HTML की कोड एप्पल में, विंडोज में या फिर एंड्रॉयड में, सब में चलता है ये, ठीक है? तो आपका जैसे मैंने बताया था ना, एप्पल की अगर कोई कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने एप्पल में बनाई है तो विंडोज में नहीं चलेगी, विंडोज में नहीं चलेगी, एज वेल एज एंड्रॉयड में नहीं चलेगी। मतलब एप्पल में कोई बनाया तो नहीं चलेगा देखो, लेकिन इसमें अगर हम लोग HTML का कोई कोड करते हैं HTML में तो वो क्या होगा, HTML का कोड आपका एप्पल में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा और एंड्रॉयड में भी चलेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंडिपेंडेंट हो जाता है ये, ठीक है? यही यहाँ मैं बताना चाहता था, आगे हम जब हम लोग चल के देखेंगे भी, ठीक है? इसमें क्या है, आपका कंसेप्ट अच्छा दिखाई देगा स्ट्रक्चर का किसी पेज को बनाने में, हम वो भी देखेंगे आगे चल के, क्योंकि जो भी आपका जो मतलब एस्थेटिक लुक है आपका ना पेज का, वो क्या करते हो आप अलग डिफाइन करते हो। ऊपर जो हमने देखा था ना यहाँ पे कोड में देखा है कि जो बॉडी पार्ट है हमारा वो हमने अलग डिफाइन किया है और हेड पार्ट अलग डिफाइन किया। देखो यहाँ पे ये तो फाइल वन खुल गया, मैंने फाइल टू में किया है ना वो, तो देखो यहाँ पे यहाँ हेड पार्ट मैंने क्या किया, अलग डिफाइन किया है देखो, ठीक है ना, और बॉडी पार्ट अलग डिफाइन किए हैं, ठीक है? हेड पार्ट बॉडी पार्ट अलग डिफाइन करने से क्या होगा, आपका एक मतलब समझ में आएगा कि इधर में जो चीजें लिखी है वो अलग है, उसका काम सिर्फ बस दिखाने के लिए है, जबकि इधर में जो चीजें लिखी है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की चीजें लिखी है। हम लोग आगे चल के जब बड़े बड़े कोड्स बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में, ठीक है? अभी समझ लो कि बेटर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या, इजी लर्निंग है विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि क्या हो इसमें कोई प्लस माइनस एडिशन वगैरह नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? जिसके कारण क्या हो, ये सिर्फ क्या है, बस आपको किस हिसाब से देखना है चीजों को उसको चेंज करता है, ये प्लस माइनस एडिशन वगैरह नहीं करवाता है ये, ठीक है? तो इसलिए ये क्या है, इजी लर्निंग है थोड़ा सा, ठीक है? HTML कैन बी यूज्ड विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्यों, क्योंकि इसमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। हम लोगों ने देखा ना सिर्फ एक सिंपल सा नोट पैड अगर आपके पास रहे और एक ब्राउजर रहे तो आप पूरा का पूरा कोड आप चला सकते हो, हमने अभी देखा करके। इसलिए अब यहाँ नो कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई अपग्रेड अपग्रेड नहीं करना पड़ता है, ठीक है? ये HTML को चलाने के लिए ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे। उसी हिसाब से जब किसी चीज़ों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं अभी।
ठीक है, ये देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। साथ में हम लोग देखते भी रहते हैं कि क्या क्या मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है आपके पास कि इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इन ट्रू सेंस। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप, करस्पॉन्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप, एडिशन कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे कर सकते हो। एडिशन मतलब मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होंगे आपके वो सारे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, मैंने शुरुआत में बताया आपको। इसलिए क्या है, आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ ए इक्वल टू 10 डिफाइन करूंगा और बी इक्वल टू 15 डिफाइन करूंगा और इस सॉफ्टवेयर को कहूंगा मैं सी इक्वल टू मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के दो, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होगा वो क्या करेगा, यहाँ बी की जगह क्या करेगा, यहाँ रिप्लेस कर देगा 15 से, और यहाँ ए की जगह क्या रिप्लेस कर देगा, यहाँ 10 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को कैसा बना देगा, सी इक्वल टू 10 प्लस 15, तो वैल्यू क्या आएगी 25, और 25 को क्या कर देगा, ये इसमें पुट कर देगा। मतलब आप जब आप चेक करोगे सी की वैल्यू तो ये क्या दिखा देगा, 25। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता है, लेकिन जो मतलब प्रोग्राम जो भी बनाओगे उसमें वो कर सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब एस्थेटिक लुक को या फिर ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो हमने देखा है पहले ये मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ट्रू सेंस में। सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकता, जैसे मैंने यहाँ बताया एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 15, तो ये सी इक्वल टू और ए प्लस बी नहीं कर सकता, इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये डेट भी डिस्प्ले नहीं कर सकता, डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए आपको बताओ, डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए आपका, मेन है पहले कि अगर किसी भी चीजों में डेट और प्लस टाइम डिस्प्ले करना है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक काउंटर होता है। काउंटर क्या करता है, 1 2 3 4, मतलब एक एक से आपका क्या करते जाएगा, एडिशन करते जाएगा, मतलब एडिशन करते जाएगा, एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है, प्रोसेसर, तो जब ये प्रोसेसर इंक्रीमेंट करता जाएगा तो आपका क्या होता जाएगा, एडिशन परफॉर्म होते जाएगी, मतलब काउंटर फिट है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, ये क्या कर सकता है, ये एडिशन वगैरह तो कुछ भी नहीं कर सकता है, मैंने पहले ये बताया आपको, ये एडिशन नहीं कर सकता ना, 1 प्लस 1 2 नहीं कर सकता ये, जब नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है, टाइम भी डिस्प्ले नहीं कर सकता है खुद से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो इंटरेक्टिव वेब पेजेस नहीं बना सकता ये, हम लोगों ने देखा जो भी मैंने अभी वेब पेज बनाया है अभी आपके लिए, देखो यहाँ पे ये वेब पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने कभी यहाँ पे आपको इस वेब पेज, जैसे आप फेसबुक पर जाते हो, तो फेसबुक पर जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे, देखो बताओ, आप लॉग इन करते हो ना, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, समझो आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे गए तो क्या हुआ, पहले आपने यूजर आईडी डाला और फिर क्या किया, पासवर्ड डाला, तो मतलब क्या हुआ, सिस्टम ने क्या किया, ये जो सिस्टम है आपका, सिस्टम ने क्या किया, कुछ इनपुट लिया यहाँ से, कुछ इनपुट लिया यहाँ से और कुछ आपको आउटपुट दिया। अब आपने सही डाला होगा तो आपको लॉगिन करवा दिया, और नहीं डाला तो आपको रॉन्ग क्रेडेंशियल दिखा दिया। ठीक है, रॉन्ग क्रेडेंशियल आपको दिखा दिया करके, लिख करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंट्रैक्शन मतलब क्या कि आप इंट्रैक्ट कब करते हो, देखो आप कभी घूमने गए या मार्केट में सामान लेने गए तो आप इंट्रैक्शन करते हो ना, आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलता है, मतलब आप बोलते हो कुछ सामने वाला भी कुछ बोलता है, तो दैट मीन्स इंट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम लोग HTML में देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ भी ये पूछ रहा है, क्वेश्चन वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना कुछ भी, तो ये इंट्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग के जो वेब पेजेस होंगे वो इंट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, इंट्रैक्टिव वेब पेजेस कैन नॉट बी बिल्ड। क्लियर हो गया ये आपका,
अब इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव नहीं है, मतलब इंटरेक्टिव नहीं कर सकता अगर वेब पेज आपका, तो ये क्या है, यूजर इंटरफेस नहीं है, खुद उसका खुद का इंटरफेस नहीं होगा ना, जब किसी भी इंटरेक्शन ही नहीं है आपके आपके पास, इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए, इंटरफेस चाहिए। इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए, इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस मतलब जैसे सामने गूगल, जैसे फेसबुक का वेब पेज हो गया, तो ये इंटरफेस अगर नहीं है आपके पास, इंटरेक्शन ही नहीं है, तो इंटरेक्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, आपका इंटरफेस भी नहीं होगा, ठीक है, इंटरफेस भी नहीं होगा। तो यही इसमें तो आपका फिफ्थ डिसएडवांटेज यही है कि डू नॉट हैव देयर ओन इंटरफेस। सिक्स्थ क्या है, डू नॉट बिहेव लाइक एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन क्या होता है, देखो होगा ना आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन बहुत सारा, क्या फेसबुक का एप्लीकेशन है, क्या करेगा ये, कुछ इनपुट लेगा, ठीक है, कुछ आउटपुट देगा आपको। इनपुट क्या लिया आपका, यूजर क्रेडेंशियल लिया, और आउटपुट क्या दिखाया, आपके कौन से दोस्त किस जगह, किसने क्या फोटो डाला, ये सब फोटो, ये सब उसने आउटपुट दिखाया ना आपका। तो ये क्या हुआ, आप देखो इसमें ये एप्लीकेशन बनाया था आपने, लेकिन जब इंटरेक्शन ही नहीं है उसमें, मतलब इंटरफेस ही नहीं है, तो क्या होगा, उसमें कोई एप्लीकेशन भी आप डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैन नॉट बिहेव लाइक एप्लीकेशन, मतलब जो आपका HTML कोड होगा, दैट कैन नॉट बिहेव लाइक एप्लीकेशन, ठीक है। और क्या होगा, एक लिंक अगर आप इसमें देते हो, जैसे समझ लो मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है www.google.com, उसमें दे दिया है, तो क्या करेगा, ये सर्वर पे जाएगा, ये खुद से आपका आउटपुट ला करके नहीं दिखा देगा आपका वेब पेज, ये क्या करेगा, ये सर्वर पे जाएगा और सर्वर से पेज को लोड करेगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, हाइपरलिंक इन HTML रिक्वायर अ ट्रिप टू सर्वर, मतलब क्या होगा, देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन इसको दूसरे वेबसाइट से दिखानी है, तो क्या करेगा, ये खुद से नहीं दिखा सकता, ये उस सर्वर पे पहले जाएगा, सर्वर से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यही है इसका लास्ट डिसएडवांटेज, दैट हाइपरलिंक इन HTML रिक्वायर अ ट्रिप टू सर्वर, मतलब जो भी आपका जो लिंक होगा वो एक बार सर्वर पे पक्का जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए HTML के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो मैंने उस दिन अच्छे से नहीं बता पाया था, वो अब मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो को देखते हो और आगे भी आपको देखने का मन है, क्योंकि मतलब टू वे कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ों में, तो टू वे कम्युनिकेशन मैं चाहता हूँ इसमें भी हो। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करो और नीचे में आप कमेंट भी करो कि हाँ सर आज का क्लास पूरी तरह से समझ में आया, या फिर कोई एक टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आप उसे भी बता सकते हो कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम उसको आप लोगों के सामने फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने जो भी बताया था आप लोगों को, ये जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये वाला है एडवांटेजेस ऑफ HTML में, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी जो चीजें यूज करी है जो ब्रैकेट के अंदर, मैं इसको इधर रख लेता हूँ, आप लोग देखो, ठीक है, इसमें जो भी मैंने चीजें यूज करी है, ये वाली जो ये ब्रैकेट के अंदर में है, इस ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर में है जो भी चीज है, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जो भी चीज इसके अंदर जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टैग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते कितने तरह के टैग हम लोग ने यूज किया है पहले, तो इस प्रोग्राम के साथ में जो आप खुला हुआ है ना प्रोग्राम आपके सामने, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितने तरह का टैग यूज किया। देखो ये क्या किया, HTML, एक ये टैग है हमारे पास, ये देखो यहाँ HTML है ना, ये HTML टैग, उसके नीचे क्या है, एक हेड का टैग है, ठीक है, ये दूसरा टैग हो गया हमारा हेड, ठीक है। तीसरा टैग देखो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल टैग हमारा इतना ही है ब्रैकेट के बीच वाला, तो इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमने, तो थोड़ा ठीक से इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आए। टैग मैंने क्या बताया आपको, देखो जो भी चीज इस ब्रैकेट्स के बीच में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैग बोलते हैं, ठीक है।
एक ग्रेटर देन साइन होगा आपके पास, एक लेस देन साइन पहले आप लगाओगे और फिर क्या होगा, एक ग्रेटर देन साइन होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी होगा उसे टैग बोलेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल था, इसमें मैंने आप लोगों को जो कोड करके दिखाया उसमें देखो कितने तरह के टैग है, देखो एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है, फिर यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ हेड का फिर से क्लोजिंग टैग, जिसका ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है, हेड का क्लोजिंग टैग हो गया, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग हो गया, देखो बॉडी का, ये देखो ये पी टैग हो गया, यहाँ पे देखो दो दो टैग है, एक ए बी टैग है देखो, है ना, और ये एक पी टैग है, इन दोनों के मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में। और यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग ये बी के अंदर का, बी का क्लोजिंग टैग हो गया है यहाँ पे, और ये क्या हुआ इसके आगे देखो पी का यहाँ क्लोजिंग टैग हो गया, सो ऑन, यहाँ पी के टैग बहुत सारे यूज किए हैं, फिर यहाँ क्या बॉडी का क्लोजिंग टैग यूज किया यहाँ पे, और एक एच टी एम एल का क्लोजिंग टैग यूज किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने कौन से ओपनिंग टैग यूज किए यहाँ पे और कौन कौन से क्लोजिंग टैग यूज किए, ठीक है। पहला हो गया आपका टैग, मतलब क्या मैंने बताया आपको, देखो ये जो दोनों भी एक ये जो दोनों ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के जो बीच में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी दैट मीन्स टैग है वो, ठीक है। टैग, इस टैग का इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, इस टैग का इंफॉर्मेशन होगा सिर्फ ब्राउजर के लिए, ये टैग जो भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, किसके लिए बनाएंगे, ओनली फॉर ब्राउजर, ओनली फॉर ब्राउजर, ठीक है, नॉट फॉर यूजर, जो यूजर होगा उसके लिए हमारा ये जो टैग है उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है, ये टैग का मतलब सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ ब्राउजर के लिए, क्यों, क्योंकि ये मार्कअप है, मैंने बताया था ना मार्कअप किस लिए यूज होता है, मार्कअप क्योंकि ये मार्कअप है, बिकॉज ये हमारा ये जो जो टैग है सारे ये मार्कअप के अंदर आते हैं, मार्कअप का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, सिर्फ ब्राउजर के पास होता है, ठीक है, ब्राउजर के पास होता है इसका इंफॉर्मेशन, उसके यूजर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता इसमें, ठीक है, जो मार्कअप का मार्कअप होता है वो ब्राउजर के लिए होता है, इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, एस्थेटिक लुक चेंज करता है आपका, एस्थेटिक लुक या फिर ब्यूटिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, ब्यूटिफिकेशन जो है वो डिफाइन करेगा, डिफाइंस एस्थेटिक लुक या फिर ब्यूटिफिकेशन, जो मार्कअप होगा, जो ये टैग होगा ना ये क्या करेगा, ये जो टैग होंगे जितने भी आपके ये क्या करेगा, डिफाइन करेंगे, एस्थेटिक लुक डिफाइन करेंगे या फिर जो ब्यूटिफिकेशन आपने कर रखा है वो डिफाइन करेंगे, इसके यूजर के लिए इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं मार्कअप, ये जो टैग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं ये टैग, ठीक है, तो ये टैग हम लोग का ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जो था, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, इसके बाद में क्या बोला था हमने, ये मार्कअप यूज करेंगे हम लोग, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, इस मार्कअप का इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, ब्राउजर के पास, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसके साथ में जब मैंने मार्कअप, ये ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने मार्कअप यूज कर दिया, तो ये जो भी आपको ब्राउजर में दिखाई देगा वो क्या करेगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है, जो आप जैसा दिखाना चाहते थे, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये जो टैग्स होंगे हमारे, जो टैग्स है ये ओनली फॉर ब्राउजर है, उसका किसी भी यूजर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से टैग यूज हुए, पहले तो यहाँ हमारा टॉपिक अभी आया है टैग, टैग मतलब इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास वो टैग कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं टैग के कितने तरह के हैं आपके, एक है आपका HTML, दूसरा है बॉडी, तीसरा है टाइटल, है ना, देखते जाओ, चौथा है हेड, हेड ऊपर था मैंने उसको नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा है पी, छठवा है देखो यहाँ पे बी, ठीक है, क्लियर है इतना। और कोई टैग मैंने ओपनिंग टैग यूज नहीं किया, इसके अलावा क्लोजिंग टैग कौन कौन से यूज किया, देखो यहाँ पे
HTML का ओपनिंग टैग था, तो HTML का क्या होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, बॉडी का अगर ओपनिंग टैग था तो बॉडी का क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा। टाइटल का अगर ओपनिंग टैग है तो टाइटल का क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा। हेड का अगर ओपनिंग टैग था तो हेड का क्या होगा, एक क्लोजिंग टैग भी होगा। पी का अगर ओपनिंग टैग था तो पी का क्लोजिंग टैग भी होगा। बी का अगर ओपनिंग टैग था तो बी का क्या होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, ये सारे उनके करस्पॉन्डिंग आपके हो गए क्लोजिंग टैब, टैग, टैब नहीं बोलेंगे, टैग। ठीक है, क्लियर है आपके? तो मैंने क्या बताया अभी आपको, टैग मतलब क्या, जो भी इन ब्रैकेट्स के बीच में होगा उसे टैग कहेंगे आप लोग। तो मतलब अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो देखो, ये मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ओपनिंग ब्रेस, ये हो गया ओपनिंग ब्रेस, ये हो गया क्लोजिंग ब्रेस। ब्रेस मतलब ये लेस देन का सिंबल है अगर आपके पास, ये हो गया आपका ओपनिंग ब्रेस, ये हो गया क्लोजिंग ब्रेस, और इसके बीच में जो भी है उसको बोलेंगे आप टैग, ये हो गया आपका HTML टैग। ठीक है ना, ये हो गया HTML टैग। ठीक है, ये क्या हो गया फिर बताओ उस हिसाब से। देखो ये, देखो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, बीच में क्या लिखा है बताओ, बॉडी, ये क्या हो गया, बॉडी टैग। सेम वे में यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ, टाइटल टैग। ये क्या हो गया बताओ, हेड टैग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडर। हेड टैग बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, हेडर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पी है, पी का मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे, पैराग्राफ टैग, टैग। पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी आपको पी दिखाई दे उसका मतलब क्या है कि आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहां से। ठीक है, और ये देखो बी है, बी का मतलब क्या हो गया, बोल्ड, मतलब किसी भी अगर आपको लाइन को अगर बोल्ड करना है या किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो उनको क्या करो, बी के बीच में रख दो। ठीक है, ये हो गया बोल्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको सब तरह के टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे आपका पैराग्राफ टैग हो गया, ये बोल्ड टैग हो गया। ठीक है, ये जो टैग होंगे वही डिफाइन करेंगे आपको कि आपका किस तरह से आपका लुक जाने वाला है यूजर के पास। ठीक है, तो देखो टैग दो तरह के होते हैं, पहले तो हम लोग टैग के बारे में देख रहे थे तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, टैग दो तरह के होते हैं। पहला होता है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैग। टाइप्स ऑफ टैग, टाइप्स ऑफ टैग में हम लोग, मैंने आपको बताया कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्टार्ट टैग, स्टार्ट टैग, और दूसरा क्या होता है, एंड टैग, एंड टैग। और टैग क्या करता है बताओ, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, टैग क्या करता है, आपका इफेक्ट जो भी आपको देना है, जैसे मैं किसी भी चीज को बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, मैं समझो यहाँ पे लिखा माय नेम इज रवि, देखो यहाँ रवि को मैं चाहता हूँ कि अब बोल्ड हो जाए। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे, मतलब बोल्ड आपका, मतलब मोटा दिखाई दे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ दिखाई दे। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो कोई एक इफेक्ट चालू किया ना यहाँ पे, और ये इफेक्ट किस तरह का है बताओ, ये बोल्ड इफेक्ट है। ठीक है, तो आपने इस बोल्ड इफेक्ट को चालू किया है और इसको क्या कर रहे हो, बंद भी करोगे आप, जो चालू और बंद कर रहे हो, तो इसको क्या कर सकते, इसको क्या बोल सकते हो आप, यही ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को क्या बोल सकते हो, देखो स्टार्ट ऑफ टैग, रवि को मैंने क्या कर दिया, समझो बोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो बोल्ड कर दिया, तो ये देखो ये क्या हो गया आपका, बोल्ड हो गया।
जब भी मैं कोड में लिखूंगा तो इसको कैसे करूंगा, देखो स्टार्ट ऑफ टैग, स्टार्ट ऑफ टैग मतलब ये क्या करेगा, इस यहाँ पे लिखने का, इस लिखने का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला टैग लगा दूंगा, ठीक है। ये टैग का मतलब ब्राउजर क्या समझेगा वो, कि इसके बाद जो भी लिखा है मेरा, इसके बाद क्या करना है मुझे, बोल्ड करना है। तो मतलब क्या करेगा, रवि को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है। अब इसको मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे क्या लगा दूंगा, ऐसा वाला लगा दूंगा, क्लोजिंग ऑफ टैग, ठीक है। तो मतलब क्या, इसको स्टार्ट टैग को, और आप क्या लिख सकते हो, स्टार्ट इफेक्ट, स्टार्ट इफेक्ट, और इसको क्या लिख सकते हो आप, एंड इफेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो स्टार्ट टैग आपका किस तरह के का दिखाई देगा, देखो कोई भी स्टार्ट टैग है आपका इस तरीके का दिखाई देगा। देखो एक ब्रैकेट होगा, वो ब्रैकेट क्या होगा, पहले ऐसा तैयार होगा ब्रैकेट, और ऐसा तैयार होगा, ठीक है। और इसके बीच में ये करस्पॉन्डिंग टैग डिफाइंड होगा, जिस तरीके का टैग है। ये अगर HTML टैग है तो वहाँ HTML डिफाइंड होगा, ये अगर बॉडी टैग है तो यहाँ बॉडी डिफाइंड होगा यहाँ पे, और ये अगर टाइटल है तो टाइटल यहाँ पे डिफाइंड होगा, ये अगर हेड है यहाँ हेड लिखेंगे हम लोग, ये अगर पी टैग होगा तो यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ बी होगा तो ये बी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे स्टार्ट टैग में, और एंड करना है अगर किसी भी टैग को, तो क्या होगा, जब कोई टैग स्टार्ट होगा तो वो एंड भी होगा, तो उस एंड, उसको एंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरीके से एंड करने के लिए आपके पास एंड में भी देखो ये दो दो होंगे ही, साथ में ये यहाँ पे क्या होगा, एक स्लैश का साइन होगा आपका, ठीक है। इस तरीके का साइन होता है ना, जो जब कंट्रोल के जस्ट ऊपर मिलता है आपको, क्वेश्चन मार्क के साथ में जो साइन मिलता है, ठीक है, वो होगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर उसके बाद किस टैग को आप क्लोज करना चाहते हैं, उस टैग के बारे में इसका नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी टैग आपका यहाँ स्टार्ट हुआ था उसको आप इस तरह से यहाँ क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कि टैग कितने तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, टैग हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला टैग होता है स्टार्ट टैग, दूसरा टैग होता है एंड टैग। स्टार्ट टैग मतलब क्या, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी इफेक्ट जस्ट लाइक बोल्ड, ठीक है, देन वी विल पुट दिस टैग, स्टार्ट टैग। जब भी हम लोग कोई इफेक्ट को चालू करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक स्टार्ट टैग लगा देंगे। स्टार्ट टैग किस तरीके का दिखेगा, ये दो ब्रैकेट, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है, इनके बीच में जो भी आप चीज लिखोगे वो हो गया आपका स्टार्ट टैग। एंड टैग किस तरीके का दिखाई देगा, एंड टैग मतलब क्या, एंड इफेक्ट मतलब हम लोग जिस इफेक्ट को हमने चालू किया था उसको हम लोग अगर बंद करना चाहते हैं तो क्या होगा, हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे उसे। देखो यहाँ एक ओपनिंग, यहाँ एक स्लैश, उसका जिस टैग को हम लोग बंद करना चाहते हैं, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग टैग के दो तरह के आप याद रखना हमेशा, स्टार्ट टैग एंड टैग। दिस मीन्स स्टार्ट इफेक्ट, दिस मीन्स एंड इफेक्ट। स्टार्ट इफेक्ट इस तरीके का दिखाई देगा, एंड इफेक्ट आपका इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने जो कोड में यूज किया था, देखो ये ऑल, ये सारे जो थे, ये सारे इस तरफ वाले, ये क्या थे, स्टार्ट टैग थे आपके, ठीक है ना। और ये जो सारे थे ये क्या थे, एंड टैग थे। क्लियर होगा आपका पूरा का पूरा पॉइंट। और ये जो टैग किसके लिए यूज किया हमने अभी जस्ट देखा, ये टैग हम लोग का सिर्फ यूज्ड फॉर ब्राउजर, ओनली टू एनहांस एस्थेटिक लुक, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने अभी आज कितने तरह के टैग देख लिए, जो भी इतने तरीके के टैग थे आपके देख लिए हमने, HTML टैग देख लिया कोई भी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको इसका क्यों मतलब होता है और क्या मतलब होता है। एक बॉडी टैग देख लिया, एक टाइटल टैग देख लिया, एक हेड टैग देख लिया, एक पी टैग देख लिया, और एक बी टैग देख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब किस टैग मतलब किस तरीके का टैग आप लोग चाहते हो, किस में यूज करना, उसके हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, पहला आपका HTML टैग,
देखो हम लोग ने शुरुआत में ही देखा था कि ये हम लोग HTML में जो भी कोड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप HTML बनाओगे तो पहला आपका जो टैग होगा, आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना ये किस तरीके का कोड है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, HTML टैग के अंदर डिफाइन करोगे। तो जो भी स्टार्ट करोगे आप कोड लिखना ना, स्टार्ट करोगे आप जब भी कोड लिखना, क्या करोगे उसको पहले ही HTML लिख दोगे, मतलब उसे ब्राउजर को क्या पता चलेगा, इनके बीच में जो भी है सारा HTML का है। तो ये हो गया आपका HTML का, आपने स्टार्ट कर दिया, करस्पॉन्डिंग क्या करोगे आप HTML को यहाँ पे बंद करोगे, मतलब आपने प्रोग्राम को या फिर ब्राउजर को ये बता दिया कि जो भी आपका ये HTML का जो भी टैग आने वाला था, मतलब इसके बीच में जो भी कोड आप जो लिखोगे, इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो भी आप चीजें लिखोगे यहाँ पे, वो सारा किस तरीके का होगा, HTML होगा, आपने ब्राउजर को ये बताया है, ठीक है। किसी भी तरह का HTML कोड अगर आप लिखना चाहते हो तो पहले क्या करोगे, आप उसे HTML के स्टार्ट टैग से डिफाइन करोगे, और फिर क्या करोगे लास्ट में सबसे एंड में क्या करोगे, उसको HTML के क्लोज टैग से डिफाइन करोगे। देखो मैंने भी कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, मैंने बोला ना, देखो इसके ऊपर एक भी लाइन नहीं है ना, इसके HTML के ऊपर एक भी लाइन है नहीं है ना, ये HTML क्या बता रहा है मेरा, उस पेज को क्या बता रहा है, उस ब्राउजर को क्या बता रहा है कि मेरा जो कोड है वो HTML तरह का है। और ये देखो यहाँ क्लोज हो गया, इसके बाद भी मैंने कुछ लिखा है क्या, देखो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो है ना, कुछ नहीं लिखा ना, इसके बाद में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है कि आपका कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका ब्राउजर को पता चल रहा है कि आपका कोड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म हो जाता है। देखो ये HTML से स्टार्ट होता है, ये HTML से स्टार्ट होता है और इस HTML पे खत्म हो जाता है, बस इतना पता है ब्राउजर को, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दूसरा टैग हम लोगों ने देखा है, वो है बॉड हेड टैग, ये है ना हेड टैग। देखो तो आप टैब करके लिखोगे ना तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, जैसे मैंने देखो इस HTML को इसके नीचे लिखा है, इस हेड को इसके नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे इस बॉडी को इसके नीचे लिखा है, तो इससे पढ़ने में आसानी होती है कि इतना आपका मतलब क्या है कि आपका ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, हेड यहाँ तक खत्म हो गया, आपका बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक खत्म हो गया। तो इन दोनों का मतलब भी देख लेते हैं हम लोग। तो HTML के बाद कोई भी कोड आप स्टार्ट करते हो तो आप शुरुआत में क्या दोगे, HTML दोगे। HTML देने के बाद में आपका करस्पॉन्डिंग अंदर के जो टैग होंगे, पहला टैग होगा आपका सीधा का सीधा, वो होगा हेड। हेड में क्या होगा, हेडर इन्फॉर्मेशन होगा सारा का सारा, ठीक है। जब स्टार्ट किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा, तो क्लोज कैसे करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हेड में क्या होगा बताओ, आपका हेडर इन्फॉर्मेशन होगा। ये हेडर इन्फॉर्मेशन किस तरह का होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हेडर में क्या होगा, आपका हेडर इन्फॉर्मेशन होगा, हेड में जो भी इनके बीच में आप डिफाइन करोगे वो हेडर इन्फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। अब हेड आ गया है, हेड मतलब क्या है आपका, जो ऊपर नीचे जो दिखाई देता है ना, जो भी वेब पेज अगर स्टार्ट करते हो तो ये जो ऊपर दिखाई देता है या फिर ये नीचे दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, हेडर और फुटर बोलते हैं उसे, ठीक है। आप लोग को पता होगा, ऊपर दिखने वाले को हेडर, नीचे दिखने वाले को फुटर बोलते हैं, ठीक है। और उनके जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी ऑफ द मैसेज, ठीक है। तो इसकी तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक और जैसे हेड बना है आपका, वैसे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बॉडी बन जाएगा, ये हम लोग बन गया क्या, बॉडी। लेकिन ये देखो मैंने क्लोज ही कर दिया, क्लोज करेंगे क्या सबसे पहले, नहीं करेंगे ना, ये गलत किया है ना मैंने, आप लोग को देखने के लिए किया है कि आप लोग क्या करते हो, हम लोग यहाँ पे क्लोज कर नहीं करेंगे, पहले ओपन ही करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को हमने ओपन किया, बॉडी मतलब क्या, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे आएगा, और बॉडी को मैंने क्लोज किया। इनके बीच में आप लोग क्या लिखोगे बताओ, जैसे हेड के बीच में आपने हेडर लिखा, तो बॉडी के बीच में क्या लिखेंगे आप, जो भी आपका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप यूजर तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये वो यहाँ पे लिखोगे, वो उसका कोड यहाँ पे करोगे, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन था वो आप इस बॉडी पार्ट में लिखोगे। यहाँ पे देखो मैं क्या एडवांटेजेस बताना चाहता था ना आप लोगों को, तो एडवांटेजेस मतलब क्या है, मेरा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, देखो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है, यहाँ पे
एडवांटेजेस ऑफ HTML, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सो ऑन। तो ये मेरे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन था जो मैं बताना चाहता था किसी भी यूजर को। तो मैंने क्या किया उसको, देखो बॉडी के बीच में लिखा है, तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा वो आप बॉडी के बीच में लिखोगे। हेड मतलब क्या, हेडर है ये, ठीक है। हेडर के अंदर भी डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं, हम लोग देखेंगे बाद में आगे चलते, जैसे कोर्स में आगे चलते जाएंगे तो हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? हेड पार्ट में हेडर होगा, बॉडी पार्ट में बॉडी बॉडी होगा, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा, और किसी भी, और सबसे ऊपर क्या होगा, HTML होगा। मतलब आपने HTML जैसे लिखा तो उस तरह से बताया आपने ब्राउजर को कि हम लोग यहाँ से HTML का कोड स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो HTML के कोड को यहाँ से, और यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो HTML के कोड को, ठीक है। यहाँ से आपका हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका हेडर क्लोज हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी क्लोज हो रही है, सब इस तरीके से आपको कोड दिखाई देगा जो भी कोड आप लोग करोगे, ठीक है। तो हम लोग इसे इसी हिसाब से लिखते हैं टैग, जो भी टैग आप लोग बनाओगे ना, तो ये हेड जहाँ से स्टार्ट करोगे हम लोग करस्पॉन्डिंग स्पेस स्पेस या टैप टैप करके हम लोग वहीं से क्या करेंगे, हेड का क्लोजिंग दे देंगे कि आपको देखने में आसानी होगी, कोड को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो देखो आप हेड के अंदर क्या क्या डिफाइन करते हैं आप। देखो मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल जो दिखाया था उसमें क्या कर रखा है, हेड टैग के अंदर डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आपका हेड टैग था, हेड टैग के अंदर क्या डिफाइन किया, देखो टाइटल नाम का एक टैग डिफाइन किया है, टाइटल नाम का एक टैग टैग डिफाइन किया है ना। टाइटल में क्या लिखा है, HTML एडवांटेजेस। इसको क्या किया, क्लोज किया है, क्लोज आप यहाँ पे भी कर सकते हो या वहां उसके पीछे भी कर सकते हो, या यहाँ पे कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर रखा है एक लाइन में लिखने के लिए, एक लाइन के जो होंगे उसको एक लाइन में क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ टाइटल का क्या है, टाइटल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, है ना, ये देखो टाइटल स्टार्ट हुआ है और ये टाइटल क्लोज हुआ है। तो टाइटल किस लिए यूज करते हैं बताओ, किसी भी आप पेज में जब देखते हो, किसी भी पेज को आप वेब पेज को जब देखते हो जो आपका ब्राउजर के साथ में दिखाएगा ना, जैसे ये मैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, मेरा टाइटल हो गया। तो उस हिसाब से जो भी आप वेब पेज देखते हो तो उसका टाइटल फिक्स करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टाइटल में जो भी आप दिखा दोगे वो भी वो यूजर को दिखाएगा। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे जो कोड बनाया था उसमें देखो यहाँ पे HTML एडवांटेजेस जो मैं यहाँ दिखाना चाहता था लोगों को, देखो यहाँ अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं दिखाओगे, देखो यहाँ हेड के अंदर में क्या है, हेड के अंदर में जो आपने टाइटल जो डिफाइन किया, टाइटल मैंने टाइटल क्या डिफाइन किया, HTML एडवांटेजेस। तो HTML एडवांटेजेस कहाँ दिखा रहा है, देखो टैब के ऊपर दिखा रहा है ना। अगर आप नहीं डिफाइन करते तो क्या होगा, आपका फाइल नेम दिखाता हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली, लेकिन आप अगर डिफाइन कर दोगे कि मुझे ये देखना है तो आपको वही दिखाएगा, HTML एडवांटेजेस जैसे मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो टाइटल कहाँ दिखाएगा आपको, टाइटल आपको इसके इस पेज के अंदर यहाँ से नहीं दिखाएगा, इस पेज में देखो यहाँ पे भी HTML एडवांटेज मैंने कहीं नहीं लिख रखा है, तो यहाँ नहीं दिखाया उसने, ठीक है। टाइटल आपको कहाँ दिखाएगा, ये देखो ये जो टैब होता है ना, जो आपको टैब टैब के सबसे ऊपर में दिखाएगा ये, ठीक है। जो टैब के आपको सबसे ऊपर में देखना है उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। मैं आपको जस्ट चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ये HTML एडवांटेजेस मैंने देखो टाइटल के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो इस हिसाब से इसने मुझे यहाँ दिखाया, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे इसके आगे और कुछ भी लिख दिया मैंने, समझो ये टाइटल्स एडवांटेजेस है, लेकिन ये किसने लिखा, रवि ने लिखा, समझो ये रवि आपने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, और आपने यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे देखो यहाँ रवि आ गया लिख करके, मतलब जो भी आप इस टाइटल के बीच में लिखोगे वो सीधा का सीधा यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये पॉइंट, टाइटल क्लियर है आप लोगों का। जैसे यहाँ पे भी लिखो माय टाइटल, ठीक है, जो भी आप टाइटल देना चाहो यहाँ लिख सकते हो आप। सेव किया, और देखो यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा मुझे, मैं देखो यहाँ माय टाइटल से वो रिप्लेस हो गया। मतलब जो भी आप चीजें इन टाइटल के बीच, टाइटल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी आप चीजें लिखोगे, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग के बीच में जो भी चीज लिखोगे आप वहाँ पे, वो चीजें यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, अगर स्टार स्टार दे दो समझो, स्टार 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 स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टार्स दिखाएगा आपको, क्लियर है।
यहाँ पे जो भी समझ गए ना आप लोग क्या क्या डिफाइन करना है आपको, जो भी टाइटल होगा आपका वो यहाँ डिफाइन करोगे आप। तो मेरा अभी क्या था HTML एडवांटेजेस, तो हम लोगों ने इस हिसाब से देख लिया अभी HTML टैग देख लिया, हेड टैग देख लिया, टाइटल टैग देख लिया, ठीक है। ये आपका ये करस्पॉन्डिंग अब हेड का क्लियर हो गया, बाद में देखेंगे और हेड में जैसे जैसे ऐड होता जाएगा वैसे, ठीक है। अब मैं ये बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान करेगी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन रखता हूँ, अभी समझने में थोड़ा आसानी होगा उससे ना, मैंने दो लाइन रखा है बस, ठीक है। मैंने रखा है पहला लाइन रखा है ये देखो, एडवांटेजेस ऑफ HTML, देखो यहाँ पे बोल्ड कलर में दिख रहा है आपको एडवांटेजेस ऑफ, थोड़ा देखो इसमें काले, इसके काले में और इसके काले में फर्क है ना तो ये फर्क क्यों है, देखो ये बी टैग जो यहाँ डिफाइन कर रखा है मैंने, ये देखो ये जो बी टैग डिफाइन कर रखा है, बी टैग का क्या मतलब होता है, बोल्ड करना है, और किसको बोल्ड करना है, एडवांटेजेस ऑफ HTML को बोल्ड करना है, तो इसलिए यहाँ इसको रखा और ये बोल्ड का क्लोज टैग लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसको कर दिया। अब मैं समझो इसमें सिर्फ पूरा मैं बोल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं बोल्ड करना चाहता हूँ सिर्फ एडवांटेजेस को, तो यहाँ पे क्या होगा आपको इसके बीच में यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसको क्लोज कर देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसके हिसाब से सिर्फ एडवांटेज ही आपका जो है वो बोल्ड रहेगा। देखो यहाँ पे एडवांटेज ही बोल्ड है, अब ऑफ HTML बोल्ड नहीं है अब, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी ये बी का स्टार्ट करोगे और क्लोज कर दोगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा आपका जो इफेक्ट जो आप चालू करना चाहते थे, वैसे जैसे बोल्ड इफेक्ट यहाँ चालू करना चाहता था तो बोल्ड मैंने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करवा दिया, ठीक है।